हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के वाटिका चौक पर नव निर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। 0.822 मीटर लंबे इस अंडरपास को GMDA द्वारा NHAI के माध्यम से 109.14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये अंडरपास सदर्न पेरिफेरल रोड को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ेगा, जिससे जनता को काफी लाभ होगा। इसके अलावा इस अंडरपास के शुरू होने से गुरुग्राम बादशाहपुर रोड पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। वहीं उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। अब छोटी दिवाली, उसके बाद गौतम पूजा, भैया दूज, एक आज से 5 दिनों का लगातार ये त्यौहार की यात्रा शुरू हो रही है, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा राव साहब ने बताया कि गुरुग्राम को हम उस समय भी देखते थे जब बहुत धीरे गति से और यहाँ के विकास की योजना बनाने के बाद भी काम पूरे हुए नहीं। जब ट्रैफिक का बिहार 2014 में हमने देखा, उस समय विचार मन में आया कि गुरुग्राम हमारी आइकन सिटी है, तो इस आइकन सिटी के विकास के नाते हम तो सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में GMDA, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अथवा PWD, जितने भी भाग हैं सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास की सोचना होगा, तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियर स्टाफ का भी सहयोग मिला है, योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद जैसा आज हमें कि अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने कार्यक्रम में लगाया। अगर हम फ्लाईओवर की और जो बात करें, चाहे वो रेलगाड़ी के ऊपर से बने हैं, चाहे सड़कों के ऊपर से बने हैं, ऐसे फ्लाईओवर 2014 से पहले मात्र 8 थे और आज गुरुग्राम के इस सारे क्षेत्र में 23 फ्लाईओवर बन चुके हैं, 15 फ्लाईओवर तैयार हो गए, ताकि सड़कों पर आवागमन कैसे आसान हो, कैसे निर्बाध हो, क्योंकि अपने आप में ट्रैफिक रुकता है तो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वायुमंडल खराब होता है, प्रदूषण जो है वो बढ़ता है, तो इसके नाते से लोगों के जीवन को सुखी करने के लिए ये सारे काम किए। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को धनतेरस के शुभ अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी है, जिसके विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में NHAI, GMDA, नगर निगम के लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को पूरी तत्परता के साथ धरातल पर फलीभूत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आगे के जो प्रोजेक्ट है इनकी गतिविधि शिविर से बनी रहे, कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसका सोच समझ करके टाइमलाइन तय करें, ताकि जो टाइमलाइन तय होगा उसमें सभी लोग अपने अपने काम को करते हुए समय से उसको पूरा करें। आज का ये जो अंडरपास है 109 करोड़ रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर के 1.1 किलोमीटर की लंबी लागत है। आज से इसको खोला जा रहा है जनता के लिए। इस अवसर पर मैं गुरुग्राम की जनता को, हरियाणा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी, चाहे अवधियां बैठ रही है, नेशनल हाईवे की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ इसी प्रकार गुरुग्राम दिन पूरी रात उन्नति करे। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में गुरुग्राम में कुल 16 अंडरपास का निर्माण किया गया है, इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है। आशा है सरकार आगे भी इसी तरह के जनहित कार्य करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।